नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह आगामी महीना जून का आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं हर राशि के अनुसार आपके लिए राजयोग भी बताऊंगा। आज के इस वीडियो में सभी राशियों की ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, कुछ विशेष एपिसोड बनेंगे इस राशिफल को लेकर के, और आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि इस पूरे महीने में ग्रह गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको गोचरीय स्थिति से अवगत करा देता हूं। मित्रों, ग्रह गोचर इस महीने में जून के बहुत ही फेवरेबल वह लाभप्रद दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय तो ग्रह वक्री स्थिति में चल रहे हैं। पांच पांच ग्रह जैसे शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु। राहु केतु तो सदा ही वक्री चलते हैं, बाकी तीन ग्रह और वक्री हैं। इनका फल बदलेगा, ये मार्गी होंगे, यानी कि अपनी राशि में एक बार इनकी पुनः वापसी होगी वक्री से, और फिर ये पूर्ण रूप से अच्छा फल आपको, हमको, सभी को देना शुरू करेंगे। और वो जो परिवर्तन होगा वो इस जून के महीने में होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है सूर्य का। सूर्य ग्रह 14 तारीख को जून के महीने में राशि परिवर्तन करके और वृष से निकल के राजकुमार की राशि में आ जाएंगे, यानी कि बुध की राशि में। दोस्तों, बुध की राशि में जाना इनका निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजा अपने पुत्र के घर में चला गया। तो यहां पर कुछ राशियों के लिए विशेष अच्छा फल होगा। इसके अभाव जो सेकंड परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल 18 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी कुंभ राशि से निकल के मीन में चले जाएंगे। बहुत आनंदित स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। जो तनाव, जो स्ट्रेस, जो आपके स्वभाव में हिंसकता, क्रूरता, गुस्सा, ये सब जो आपका बढ़ा हुआ था काफी शांत होगा। और मीन राशि इनके मित्र गुरु की होती है, इसलिए मंगलदेव यहाँ पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। सेनापति जो है महामंत्री के घर में चले जाएंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दोनों की बॉन्डिंग और कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। इसके अलावा जो तीसरा जो परिवर्तन यहां पर रहेगा दोस्तों, वह है 25 जून को होगा शुक्र का। शुक्र अभी वक्र चाल में चल रहे हैं, वृष राशि में है तो स्वयं रही पर वक्री हैं। ये मार्गी हो जाएंगे 25 तारीख को, और फिर फुल फ्लैश कुछ राशियों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग का फल देना शुरू करेंगे। और अंततः लास्ट में 30 जून को देव गुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह, उनका राशि परिवर्तन होगा और वो ज्ञानी ग्रह बृहस्पति पुनः वापस लौट रहे हैं अपनी ही प्रिय धनु राशि के अंदर, और ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे कुछ राशियों के लिए। तो सोचिए, इस प्रकार की ग्रह गतियां बन रही हैं, तो ये ग्रह गतियां कितनी अच्छी रहेंगी। बुध ऑलरेडी यहां पर अभी हो ही चुके हैं मिथुन के, और मिथुन में जाते ही राहु के साथ में युति संबंध बनाया है इन्होंने। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, वीडियो का अंत तक देखना, और योग प्लस राशिफल दोनों को जोड़ करके आपको बताऊंगा। मेरा फेसबुक पेज है Astro24, इसको लाइक जरूर करें, फॉलो भी करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पेज को आप इतना लाइक सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव भी आप हमें देते रहते हैं। मित्रों, यहां पर जून राशिफल में सबसे प्रथम दृष्टांत जिस राशि की मैं बात करना चाहता हूं वो है वृषभ। वृषभ लगन में वृषभ राशि दोनों के लिए है। लगन पर फल की सटीकता ज्यादा रहेगी क्योंकि वो प्रॉपर बिल्कुल लगन पर बैठ जाते हैं ग्रहों का प्रभाव, और राशि के अनुसार थोड़ा फल कम रहता है। वृष राशि वालों, लगन वालों, आपके लिए ये स्थिति बहुत बेहतरीन नजर आती है। वैसे तो आपकी लगन के अनुसार जो सूर्य हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सुख साधनों के, अभी वो शत्रु राशि में लगन में हैं, अच्छा ज्यादा फल नहीं दे पा रहे। उसके बाद ये धन पर आएंगे। कई बार कहते हैं ना कि हम मजबूरी में, मेरे को ये काम करना पड़ गया, मेरा मन नहीं था, पर मजबूरी में भी अच्छा फल दे जाते हैं। कई बार महात्माओं का, संत महात्माओं का आशीर्वाद देने का मन नहीं होता है तो खाली बस हल्का सा ऐसे हाथ टच कर देते हैं, पर देते तो हैं, दिव्य आत्मा है, महान पुरुष हैं। ऐसे ही यहां पर जो सूर्य हैं वो जब 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और वो धन के घर में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो सूर्य बुध और राहु की युति होगी। यह युति आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है धन के दृष्टिकोण से। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ जरूर मैं बोलूंगा कि यहाँ तनाव हो सकता है, उनके साथ आपके आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, परंतु आपके लिए
यह सुख साधनों को बढ़ाने वाली युति रहेगी। आपके लिए यह त्रिग्रह युति बहुत लाभप्रद दिखाई देती है। आपका रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है और अकस्मात धन लाभ की स्थिति बनेगी। दोस्तों इसके अलावा 25 जून से आपके लिए जो ये राजयोग बना हुआ है शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, इसका पूर्ण रूप से फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे शुक्र, और मार्गी होते ही ये फुल फ्लैश आपको रिजल्ट देंगे। आपको अपार मान सम्मान, अपार सफलता, और यहां पर शुक्र से संबंधित जो फील्ड हैं जैसे अकाउंट्स, ग्लैमर, लीकर, जल से रिलेटेड काम, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे खाने का काम हो, चाहे गारमेंट्स का काम हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक गुड्स, मॉडलिंग, एक्टिंग, चित्रकार, फिल्मकार, गायक, इन सभी के लिए समय बहुत बेहतरीन कहलाया जाएगा 25 जून से। इसके अलावा एक और अच्छी बात है आपके लिए कि आपके सप्तम भाव के स्वामी लाभ में चले जाएंगे 18 जून को, यानी कि मंगल राशि परिवर्तन करके। पति पत्नी के माध्यम से लाभ मिलना, बड़े भाई बहन के लाभ माध्यम से लाभ मिलना, लाभ में बैठ करके लाभ को बढ़ा देंगे मित्र राशि में मीन के अंदर, और लग्नेश यानी कि वृष राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं मंगल। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर बिजली से संबंधित काम से लाभ मिलेगा, आपको अग्नि तत्व से संबंधित काम से लाभ मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जिसमें बहुत ज्यादा मशीनरी वर्क हो, उससे रिलेटेड काम हो, ऐसी सब चीजों में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप सेना पुलिस के अंदर कार्यरत हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों आपका जो तुरुप का इक्का है वो है शनि। जी हाँ, शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के स्वयं भाग्य के घर में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, परंतु वक्री चाल में जरूर हैं। फल में तो कमी आती है परंतु केंद्र कोण राजयोग बना करके बैठे हैं, इसलिए ये भी आपके लिए अच्छा है। तो मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूं कि वृष राशि वालों के लिए एक राजयोग मालव्य नाम का महापुरुष बन रहा है, और इसके अलावा बाकी के जो ग्रह हैं वो पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। अब एक ग्रह है जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो जो एक ग्रह है गुरु। गुरु जो है आपकी कुंडली में आपकी हेल्थ और आपके लाभ के स्वामी हैं। तो 18 जून तक गुरु आपके एंटी चलेंगे, 18 जून के बाद मंगल गुरु को मना लेंगे। इसीलिए फर्स्ट 18 डेज इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, हेल्थ का ध्यान रखें, मीठे से परहेज करें, शुगर कोलेस्ट्रॉल बीपी से संबंधित शिकायत चल रही है तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए योग प्राणायाम जो भी हो सकता है वो करें, टैबलेट टाइम से लें और संतुलित भोजन ग्रहण करें। यहां पर यह है वृष राशि का फल। अच्छा है, कोई योजना बना सकते हैं, क्योंकि पूरे महीने दो ग्रह बुध और साथ में शुक्र ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए देने वाले हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करना चाहूंगा, और वो राशि है दोस्तों मिथुन। इस जून के महीने के अंदर जो मिथुन राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दो दो राजयोगों का फल मिलने जा रहा है। जी हां, दो राजयोग, और वो दो राजयोग रहेंगे हंस नाम का महापुरुष राजयोग और दूसरा है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। भद्र नामक महापुरुष राजयोग आपके लिए बन चुका है, इसलिए मैं इसको सर्वश्रेष्ठ की भी कैटेगरी में काउंट कर सकता हूं मिथुन राशि को। लगन में बुध राहु बैठे हैं, अकस्मात धन लाभ होता है, आपके प्रियजनों से आपको लाभ मिलता है, अकस्मात आपको पदोन्नति मिल जाती है और अचानक ही आपका मान सम्मान भी बढ़ जाता है और बड़े लोगों का सानिध्य प्रेम भाव आपको प्राप्त होता है। बुध तीव्र गति के ग्रह हैं, राहु के साथ में मिलेंगे रिजल्ट जल्दी दे देंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी बाजार, या जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं या कार के अंदर डील्स करते हैं, डीलर हैं, या आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा ये समय कहा जाएगा। बुद्धि की तीव्रता, थॉट प्रोसेस का मजबूत होना, सकारात्मक ऊर्जा का वास होना, यहाँ पर बुध राहु आपके लिए अथक प्रयास करेंगे। आपको इस पूरे महीने उठाने के लिए भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का पूरा लाभ उठाइए, पन्ना रत्न धारण करके रखिए और यहाँ पर ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करते रहे मित्रों। दूसरा सबसे बेहतरीन ग्रह आपके लिए जो रहेगा यहाँ पर वो है जुपिटर, पर इसका फल आपको सप्ताह के अंतिम समय में ही मिलेगा 30 जून को, क्योंकि गुरु यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे तब जाकर के राजयोग बनाएंगे। इसीलिए मेन जो राजयोग है वो बुध का है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सूर्य इसमें कैसे चार चांद लगाएंगे। सूर्य इस समय 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, खर्च के घर में बैठे हैं, तो मिथुन वालों के लिए खर्च की गति जो है वो बढ़ी हुई है। उनका विषय यह है कि पैसा आ रहा है परंतु पैसा टिक बिल्कुल नहीं रहा है। यहां पर
आपको जैसे ही सूर्य का गोचर होगा लगन के अंदर, और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, सूर्य बुध की लगन के अंदर युति, लगन में आके सूर्य को बल मिलेगा क्योंकि लगन के कारक होते हैं, और बुध को लगन में दिशा बल मिलता है, और यहां पर स्थान बली भी बुध हो गए और भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना दिया। इसलिए मिथुन वालों के लिए ये महीना अच्छा है और 14 जून ऑनवर्ड्स तो और बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों इसके अलावा एक ग्रह मंगल, मंगल और बुध में शत्रुता है। मंगल बुध को कभी अपना मित्र नहीं मानते। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 18 जून को और आपके सरकारी नौकरी के घर में आ जाएंगे मित्र राशि में। तो जो लोग सेना पुलिस में कार्यरत हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं या सरकार के बिजली विभाग के अंदर हैं, उनके लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। परंतु सास के साथ आपका तनाव हो सकता है, इन-लॉज की तरफ से कोई मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, और अपनी मेष राशि से मंगल 12th हाउस में चले जाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि बड़े भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, उनसे कोई धोखा मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें और सोच समझ करके काम करें। गेन तो बढ़ेंगे इसमें कोई दोहराय नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा 18 जून के बाद से। आइए अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूं राशि की, और वो है सिंह। सिंह के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये महीना कैसे अच्छा रहेगा उस विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य आपके लिए मित्रों 14 जून के बाद से अच्छा फल देना शुरू करेंगे। उसका कारण है, फली ज्योतिष का एक नियम होता है वैदिक ज्योतिष का, कि जब भी लगन का स्वामी या राशि का स्वामी लाभ स्थान में चला गया, व्यापार के घर में चला गया, तो लाभ व्यापार को बढ़ाता है। यहीं पर यहां पर यही होने जा रहा है। 14 जून को सूर्य शत्रु राशि को छोड़ देंगे यानी कि वृष को, और लाभ स्थान में मिथुन राशि में चले जाएंगे। इससे बेहतरीन संयोग वह ग्रह गोचर नहीं हो सकता मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार। सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे से बहुत बड़े 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 ज्ञानी ज्योतिषी हैं, पर मेरा ऐसा अनुभव कहता है, मेरी नॉलेज कहती है कि यदि आपके पास कुंडली की जिम्मेदारी और आप बैठ जाओ किसी बहुत पावरफुल आदमी के पास जाकर के, तो आप वहां लाभ अच्छा दे दोगे। तो वही लाभ की स्थिति व्यापार की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इस युति में चार चांद इसलिए लगेंगे क्योंकि सिंह लगने में लाभ की जिम्मेदारी और धन की जिम्मेदारी बुध के पास में आ जाती है, और बुध भी लाभ स्थान में स्वयं ग्रही मिथुन के होकर के बैठे हुए हैं बुध राहु के साथ में। इसलिए आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर धन आवक होगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, लिंक्स भी डेवलप होंगे, लाइजनिंग वर्क से भी लाभ मिलेगा और संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। परंतु सचेत करना चाहता हूं क्योंकि सूर्य राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाते हैं। दोनों का नेचर है सेपरेटिव अलगाववादी। तो दोस्तों 11th हाउस में जब बैठेंगे तो यहां पर धोखे मिल जाएंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ रिलेशनशिप सिंह लगन वालों की अपने बड़े भाई बहनों के साथ खराब हो सकती है, इसलिए भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं कि केन त्रिकोण राजयोग एक सिंह वालों के लिए बन रहा है। जी हाँ, सिंह वालों के लिए केन त्रिकोण राजयोग बनेगा, और इस केन त्रिकोण राजयोग का जो फल है वो आपको यहां पर मंगल के द्वारा 18 जून तक मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। और 18 जून तक भी ये मंगलिक दोष भी बना रहे हैं सिंह वालों के लिए, तो इसीलिए यहां पर वैवाहिक जीवन में मतभेद जरूर हो जाएंगे। पति पत्नी जो है आपसी संबंधों को अच्छा कर रखने का प्रयास करें, ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। जिनके अफेयर चल रहे हैं वो भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मंगल का प्लेसमेंट आपकी लगन राशि के हिसाब से जब 18 जून के बाद अष्टम भाव पर होगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा विषय नहीं है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ जरूर रखना पड़ेगा, आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, विशेष रूप से हेल्थ के लिए। हेल्थ का लेकर के ही मेरे को एक मेन फैक्टर नजर आता है। दोस्तों सुख साधनों से संबंधित चीजें 18 जून के बाद में कोई मत खरीदिएगा, कोई गाड़ी वाहन जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई डील अभी मत करिएगा, रुक जाइए। एटलीस्ट कम से कम आपको 20-25 दिन 18 जून के बाद से वेट करना चाहिए। अब बात करता हूं कि शुक्र यहां पर अच्छा फल कैसे देंगे 25 तारीख के बाद में। शुक्र यहां पर अकेले हो जाएंगे, एक तो सूर्य निकल ही चुके हैं, निकल जाएंगे 14 जून को, और फिर जैसे ही सूर्य का प्रभाव इनसे हटेगा और 25 तारीख को शुक्र मार्गी होंगे, तो ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग जो आपके लिए बनाएंगे वो कर्म की गति के लिए अच्छा है।
सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा है, कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, और वो जो नेक्स्ट राशि रहेगी कर्क है। कर्क वालों के लिए एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, और वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा मंगल के द्वारा, अच्छी बात है। एक तो जॉब 10th हाउस कर्म के स्वामी मंगल, सेकंड पंचम के स्वामी त्रिकोण के स्वामी मंगल, संतान लाभ धन, और 18 जून को प्लेस हो जाएंगे भाग्य के घर में मित्र राशि मीन में, यह स्थिति अच्छी कही जाएगी, यह समय कहा जाएगा कि आपके लिए अच्छा है। ऐसे में भाग्य के माध्यम से लाभ मिलेगा, भाग्य सपोर्ट मिलेगा का मिलेगा, आप 2 कदम चलेंगे तो 4 कदम सामने से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगेगा। इसी को बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल, वो 18 जून से शुरू हो रहा है। 18 जून से पहले थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल इसीलिए भी रहेगा क्योंकि धन भाव के स्वामी सूर्य आपके 14 जून के बाद से जब खर्च के घर में जाएंगे तो खर्चों में वृद्धि कर देंगे, बुध राहु भी वहां बैठे हैं तो खर्चे बढ़ा देंगे। इसलिए इस पूरे महीने जो ग्रह आपको संभालेगा, जो ग्रह आपको ताकत देगा वो है मंगल और शुक्र, ये 2 ग्रह हैं जो आपको अच्छा फल देंगे। लाभ स्थान में शुक्र बैठे हैं जो स्वग्रही हैं, और इसके अलावा मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल। खर्चे जरूर आपके यहाँ बढ़ेंगे इस पूरे महीने में जून में, इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है कर्क वालों को, और मंगल को मजबूत करके रखिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। और यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि यदि आप अपने आप को और मजबूत रखना चाहते हैं तो एक मोती रत्न जरूर धारण करके रखिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शनि का आपके लिए राजयोग जरूर बन रहा है, और वो राजयोग बन रहा है शश नाम का महापुरुष राजयोग, इसके अलावा गुरु का नीचवंग राजयोग भी बन रहा है, पर अभी इस समय ये दोनों के दोनों राजयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह वक्र चाल में चल रहे हैं। दोस्तों ये है 4 राशियों का जबरदस्त फल। यदि आपको भी हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप हमें कमेंट सुझाव अपने ज़रूर दें, हम जल्द ही आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। आप हमें कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रत्नों की डिलीवरी अभी अब शुरू कर दी है क्योंकि कोरियर सर्विसेज चालू हो गई हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी बीच में बहुत सारे कॉल आए थे कि गुरुजी रत्न लेना है पर ड्यू टू लॉकडाउन के कारण अभी नहीं दे पा रहे थे अवेलेबिलिटी, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपए में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपए वाली